संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के बारे में आप कक्षा एक से पढ़ते आ रहे हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया। इस दृश्य की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। गाय का दूध मीठा है। चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल आदि। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, गाय, वृक्ष, विद्यालय आदि। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, प्रेम आदि। बच्चों, आपने भाववाचक संज्ञाओं के बारे में पढ़ा। क्या आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से। आओ भाववाचक संज्ञाएं बनानी सीखें। मनुष्य, मनुष्यता। ऊंचा, ऊंचाई। घबराना, घबराहट। अपना, अपनत्व। बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जिनसे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समुदायवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कक्षा, भीड़ आदि। वे संख्याएं जिनसे किसी पदार्थ, द्रव या धातु का बोध हो, द्रव्यवाचक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पानी, घी, सोना, चांदी आदि। बच्चों, ध्यान रहे कि हिंदी में समुदायवाचक व द्रव्यवाचक संख्याएं जातिवाचक संख्या के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इन्हें अलग से वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती।